हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। फॉर इन्फो पर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ सीयू सीईटी के बारे में। सीयू सीईटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, वो है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सीयू सीईटी क्या होता है, इसको कौन सी ऐसी बॉडी है जो कंडक्ट करवा रही है, कौन कौन से कोर्सेज जो है सीयू सीईटी में ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का एग्जाम डेट क्या है, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। एग्जामिनेशन का डिटेल क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या है, इतने उसकी क्या नाम है क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मार्किंग सिस्टम क्या है, एग्जाम देते हैं तो आपका मार्किंग सिस्टम क्या होगा, वो ही डिस्कस करेंगे। कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, कौन से लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सीयू सीईटी क्या है। सीयू सीईटी इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम को आपको देना हो। इट प्रोवाइड्स ए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन दीज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी अक्रॉस द इंडिया। इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जाम है जो आप एक एग्जाम देकर के 12 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, उन सभी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले आपको मालूम था, अगर आपको एमसीए में एडमिशन लेना था तो आपको निमसेट एक ऐसा एग्जाम था जिसमें एक एग्जाम देने के बाद बहुत सारे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। सेम प्रोसेस लेके आया है सीयू सीईटी। सीयू सीईटी जो है ये सिर्फ एमसीए के लिए नहीं है, ये और सारे प्रोग्राम्स के लिए भी है। बात करते हैं कि इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो ये जो एग्जाम है सीयू सीईटी का, इसको एनटीए कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। कोर्सेज में आपको मिल जाएगा एमसीए, एमएससी, एमटेक, एमए, एमफार्मा, एमबीए, एलएलबी, बीएड, एमकॉम। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सीयू सीईटी का एग्जाम देकर आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। तो टोटल मिलाकर के 12 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहला है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्रा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। टोटल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो सीयू सीईटी 2021 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। देखिए, बात करें तो यहाँ पर फॉर्म को जो फिल करने का डेट है वो है 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 1 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ट्रांजैक्शन की जो है, जो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, वो 2 सितंबर है। और अगर आपने फॉर्म फिलिंग में कोई गलती कर दी है तो उसके करेक्शन की डेट 3-4 सितंबर तक रहेगा। अगर बात करें फीस की कि आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 800 रुपए, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपए और पीडब्ल्यूडी के लिए 0 रुपीज। ये जो भी फॉर्म है आप इनकी वेबसाइट पर आराम से जाकर भर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अगर आप एक से अधिक फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एक से अधिक कोर्सेज में, तो आपको 200 रुपए पर कोर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी जनरल ओबीसी कैटेगरी में। एससी एसटी कैटेगरी से है तो आपको 75 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी पर कोर्स के हिसाब से। जो एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू पैटर्न होगा एग्जाम का। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 120 मिनट होगा, मतलब 2 घंटे। जो एग्जाम शेड्यूल किया गया है वो 15, 16, 23 एंड 24 सितंबर 2021 में शेड्यूल किया गया है। कौन सी प्रोग्राम का, कौन से कोर्स का, किस डेट को एग्जाम होगा
वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्राउजर उसमें आप देख सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो ये दो स्लॉट में एग्जाम करवाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट होगा इसको शिफ्ट 1 बोलेंगे, इवनिंग शिफ्ट होगा इसको शिफ्ट 2 बोलेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और इवनिंग शिफ्ट शाम 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो 100 से ऊपर एग्जाम सेंटर्स पूरे इंडिया में है, वो आप इनकी ब्राउजर में आप देख सकते हैं। ब्राउजर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। जैसा कि आपको बता दिया मैंने पहले ही कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी होगा, आपको कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देना होगा। पैटर्न आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो मैं बात करूं तो क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी करके पूरे पेपर में आएगा। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपके जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपको एमसीए का एग्जाम देना है तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में ही होगा, आपको हिंदी में एग्जाम नहीं देने को मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए इस एग्जाम में दिक्कतें हो सकती है। मार्किंग सिस्टम की बात करें तो मार्किंग जो सिस्टम है यहाँ पर वो है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 पॉइंट आपके कट जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके एज ए निगेटिव काउंट किए जाएंगे। तो जो भी आप क्वेश्चन करें वो सोच समझ के करें जिससे आपकी गलती ना हो। नेगेटिव मार्किंग में आपका सही क्वेश्चन से भी मार्क कट जाते हैं, इसका पेपर देते वक्त ध्यान दीजिए। इस वीडियो में जो मैं मेनली बात कर रहा हूँ वो एमसीए के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस एमसीए के बच्चों पे है। एमसीए के लिए मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से बच्चे इस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो वो बच्चे जो बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो बाहर से हो, लेकिन अगर आपने 50% एग्रीगेट मार्क्स या ग्रेड अचीव किया है अपने ग्रेजुएशन में तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। जो बच्चे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 5% आरक्षण मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा इस एग्जाम में। बात करें कि आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। वहां पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उनका ईमेल आईडी एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उस एप्लीकेशन नंबर से जो जनरेट किया गया था उससे आप फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे। फिल करने के लिए सारे स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। और सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर दी है, अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैंने सारे लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हमें आपके इम्पोर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो।